नमस्कार, स्वागत है आपका असम हेडलाइंस न्यूज पे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 10वीं पास के लिए सरकार ने निकाली बम्पर वैकेंसी, आवेदन शुरू, 69,000 मिलेगी सैलरी। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका होगा, इस न्यूज को लास्ट तक देखें। कर्मचारी चयन आयोग SSC के तहत SSC GD कांस्टेबल के पदों पर नौकरी करने का सुनहरा मौका है। इसके लिए SSC ने सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, सशस्त्र सीमा बल SSB, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और सचिवालय सुरक्षा बल SSF और असम राइफल्स में राइफलमैन जनरल ड्यूटी भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके अलावा उम्मीदवार सीधे उस लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 25,271 पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही SSC GD कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2021 के लिए योग्यता मानदंड क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मेट्रिकुलेशन या 10वीं पास होनी चाहिए। SSC GD कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2021 के लिए जो है उम्र की जो सीमा है वो रखी गई है। उम्मीदवारों की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच ही उनकी जो है उम्र होना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं जो SSC GD कांस्टेबल के जो आवेदन के लिए शुल्क रखे गए हैं। सामान्य पुरुष या महिला जो है उनको 100 रुपये का शुल्क रखा गया है। साथ ही जो महिला या पुरुष SC ST या भूतपूर्व सैनिक होंगे उनको कोई शुल्क देना नहीं होगा। SSC GD कांस्टेबल में जो उम्मीदवार भर्ती होंगे उनके वो वेतन के तौर पर 21,700 से 69,100 रुपये दिए जाएगा। इसके साथ ही जो है चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी उसके बारे में बात करते हैं। उम्मीदवारों को चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT के आधार पर आयोजित की जाएगी। SSC GD कांस्टेबल के लिए परीक्षा का पैटर्न क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इस भर्ती परीक्षा में 25 अंकों का जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी एवं अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही एग्जाम को सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और 10वीं पास है तो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई से ही शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम जो तारीख है 31 अगस्त 2021 से। वहीं ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने के लिए लास्ट डेट 2 सितंबर है, जबकि ऑफलाइन चालान 4 सितंबर तक जमा किए जा सकते हैं। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो 10वीं पास है और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उन तक यह खबर पहुंच सके और वो भी समय से आवेदन कर सके। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज़।